सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर और आज के इस वीडियो में हम आपको ट्रिपल एम यूटी के एडमिशन के फुल प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि इसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसका काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपके ट्रिपल एम यूटी में जितने भी कोर्स हैं हर एक कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, आपके ट्रिपल एम यूटी में जितने भी कोर्स हैं हर एक कोर्स में टोटल कितनी सीटें हैं, टोटल कितनी FW सीट हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसमें रिजर्वेशन कैसा होता है, किस कोर्स के लिए कितना होता है, किस कैटेगरी के लिए कितना होता है, और इसमें जितनी भी चीज़ें होंगी आपके ट्रिपल एम यूटी में उसके बारे में डिटेल्स में आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताना स्टार्ट करते हैं कि ट्रिपल एम यूटी में कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे बेसिक से अगर हम शुरुआत करें तो अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं ट्रिपल एम यूटी में, जो आपका जेईई मेन का एग्जाम होता है उसके थ्रू आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं पर बीटेक फर्स्ट ईयर को छोड़ के अगर आप बी फार्मा फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकेंड ईयर, बीबीए, MBA, MCA, MTech, MSc इन सभी कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं ट्रिपल एम यूटी में, तो इसके लिए आप ले सकते हैं UPSCET एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। वहीं पे अगर आपको एडमिशन चाहिए PhD में, तो इसके लिए जो ट्रिपल एम यूटी का खुद का एग्जाम होता है MAT का, उसके थ्रू आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। वैसे तो ये 2021 का है, लेकिन आप किसी भी साल में इसको देख रहे हैं प्रोसेस सेम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं इसके डिपार्टमेंट के बारे में कि इसमें टोटल कितने डिपार्टमेंट्स हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, द यूनिवर्सिटी हैज़ टोटल 11 डिपार्टमेंट्स ऑफरिंग वेरियस कोर्सेज एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, उसमें इतने सारे कोर्सेज हैं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, हर एक का नाम हम पढ़ने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें इतने सारे कोर्सेज हैं आपके ट्रिपल एम यूटी में। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, इतने सारे कोर्सेज हैं आपके इसमें, इस डिपार्टमेंट में। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इतने सारे कोर्सेज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें इतने सारे कोर्सेज हैं आपके 4। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें 3 कोर्सेज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक्स कंप्यूटिंग, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड मैनेजमेंट साइंस। तो इतने सारे डिपार्टमेंट आपके ट्रिपल एम यूटी में होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। तो इसमें अगर हम इसके एडमिशन के बारे में बात करें, तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताई दिया है कि JEE Main के थ्रू आप बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, मतलब जो 4 साल का बीटेक होता है, और UPSCET के थ्रू बीटेक 3 साल में, मतलब अगर आपका लेटरल इंटेल लेना चाहते हैं, डिप्लोमा, BSc, BPharma है, BBA, MBA, MCA, MTech, MSc फिजिक्स, MSc मैथ, ये सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। इसका कोर्स का ड्यूरेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप ट्रिपल एम यूटी में इन सभी कोर्सेज के लिए एडमिशन ले सकते हैं, और वहीं पर MAT के थ्रू आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं इसके सीट्स के बारे में कि इसमें टोटल कितनी कितनी सीटें हैं और कितनी कितनी FW सीटें हैं। तो अगर हम इसके सीट्स के बारे में बात करें, तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग अगर आपका है तो उसके लिए इसमें टोटल 150 सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटें FW सीटें हैं, और अगर इसमें 15 सीटें ऐसी हैं जो कि मतलब अदर स्टेट वालों के लिए रिजर्व हैं। तो वहीं पे जो दूसरा आप देख सकते हैं, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EE 150 है टोटल सीट फर्स्ट ईयर में, और 7 FW सीट है और 15 अदर स्टेट वालों के लिए रिजर्व है अगर आप JEE Main के थ्रू इसमें आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो भी आपका कोर्स है, जो भी आपका ब्रांच है, इसका स्क्रीन पे देख लीजिए। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर देखे, आप स्क्रीन पे देख लीजिए और आप समझ जाइए। और अगर हम सबका देखने लगेंगे, आपको पढ़ पढ़ के बताएंगे, थोड़ा टाइम जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, जो भी आपका कोर्स है और जो भी आपका ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जान लीजिए। तो आप अपना कोर्स और अपना ब्रांच का देख लीजिए, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जो भी आपका कोर्स है, जो भी आपका ब्रांच है। बात करते हैं फी वेवर सीटों के बारे में। तो जो आपका बीटेक कोर्स है उसमें 5% ऐसी सीटें होती हैं जो कि FW सीटें होती हैं। उस पर क्या रहता है कि उस पर आपकी ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है। जितनी भी आपकी टोटल ट्यूशन फीस होती है आपके उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, आपके उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, तो उसमें जो टोटल ट्यूशन फीस होती है वो माफ़ हो जाती है अगर आपको FW सीट मिलती है तो। और ऐसी 5% सीटें ही होती हैं। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना है, या फिर इसके लिए क्या जरूरी चीज़ें होती हैं। द इकोनॉमिकली वीकर कैंडिडेट एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट गार्जियन बींग लेस देन एट लास्ट फ्रॉम ऑल सोर्सेज, मतलब क्या होना चाहिए कि आपकी जो फैमिली है उसकी टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज जो होनी चाहिए वो 8 लाख पर एनम की होनी चाहिए, उससे कमी की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए मस्ट सबमिट सर्टिफिकेट नंबर 12 इनकम सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द काउंसलिंग, मतलब इसके लिए क्या है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। कब? जब आप
UT में काउंसलिंग कराने जाएंगे तब। अच्छा, ये तो हो गया आपका FW सीट। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे, तो बात करते हैं सबसे पहले बीटेक फर्स्ट ईयर एलिजिबिलिटी के बारे में। मतलब अगर आप बीटेक जो 4 साल का होता है उसमें एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। मतलब जो आपका क्लास 12 कंप्लीट होना चाहिए वो 55% मार्क्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए। 50% इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरी। मतलब अगर आप SC ST हैं तो आपका 50% भी होता है या फिर उससे ऊपर होता है तो चल जाएगा। वहीं पे अगर आपका जनरल OBC होगा तो कम से कम 50% होना चाहिए। विथ एटलीस्ट 60% एवरेज मार्क्स, एक तो मैथ होना चाहिए, एक फिजिक्स होना चाहिए, प्लस ये जो पाँचों कोर्सेज आप देख रहे हैं ना, केमिस्ट्री, ये सभी जो पाँचों सॉरी सब्जेक्ट देख रहे हैं, इसमें से कोई एक आपका होगा ही होगा आपके क्लास 12th में, तो इन तीनों सब्जेक्ट का जो एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए फॉर जनरल OBC कैटेगरी वो होना चाहिए 60%, और अगर आपका SC ST कैटेगरी है तो कम से कम 55% होना चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट का एग्रीगेट परसेंटेज। ध्यान दीजिए, ये एग्रीगेट परसेंटेज है इन तीनों सब्जेक्ट का। ये तो हुआ बीटेक फर्स्ट ईयर का। वहीं पर अगर हम अगले कोर्सेज़ के बारे में बात करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अगले कोर्सेज़ के बारे में बताते हैं कि उसके लिए आपको कितना कितना चाहिए। देखिए, अगर आपका एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन बीटेक सेकंड मतलब लेटरल एंट्री है, अगर आपका डिप्लोमा होल्डर्स था तो उसके लिए जो भी आपने पास किया हुआ है 3-4 ईयर डिप्लोमा एग्जामिनेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज बाई UP बोर्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये तो खैर आपको पता ही होगा। उसके बाद कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए, और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स होगा तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और वहीं पर अगर हम BSc ग्रेजुएट के बारे में बात करें तो जो भी आपका ग्रेजुएशन था उसमें कम से कम 60% मार्क्स आपको बनना चाहिए अगर आप जनरल OBC से हैं, और अगर आप SC ST से हैं तो आपका 55% मार्क्स भी बनना चाहिए, और प्लस हैविंग पास 10+2 एग्जाम विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, जो आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए और उसमें मैथ कंपलसरी है। तो ये तो हो गया आपका बीएससी ग्रेजुएट के लिए। अब बात करते हैं BBA, MBA, BPharma, MCA, MSc इन सभी कोर्सेज के एलिजिबिलिटी के लिए। तो BPharma का आप देख सकते हैं कि 10+2 जो आपका कंप्लीट होना चाहिए कम से कम 55% मार्क्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए अगर आप जनरल या फिर OBC कैटेगरी से हैं। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और मैथमेटिक्स या फिर बायो जो भी आपका था वो भी हो सकता है, क्योंकि मैथ भी अगर होगा तो भी आप BPharma कर सकते हैं, बायो होगा तो भी आप BPharma कर सकते हैं, जो भी था ये मतलब होना चाहिए। और प्लस अगर आपका SC ST कैटेगरी था तो कम से कम 50% मार्क्स आपके क्लास 12th में बनना चाहिए। अच्छा, BBA के बारे में बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन इन एनी डिसिप्लिन विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स जनरल OBC और 50% मार्क्स इन केस अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, एंड इंग्लिश मस्ट बी वन ऑफ द सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल। इंग्लिश एक आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए आपके 12th लेवल पे। अच्छा, MBA के बारे में बात करें, वही कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए आपके जनरल OBC के लिए, और 45% मार्क्स होना चाहिए कम से कम आपके SC ST कैटेगरी के लिए। बात करते हैं MCA कोर्स के लिए, तो MCA कोर्स के लिए भी लगभग वही चीज़ें सेम है। इसमें 10+2 पे आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, और 50% जनरल OBC के लिए कम से कम होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, और फिर 45% कम से कम SC ST कैटेगरी का होना चाहिए जो भी आपने इससे पहले एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है उसमें। MSc फिजिक्स का भी वही सेम लगभग है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 50% मार्क्स और 45% मार्क्स SC ST। फिर उसके बाद आप MSc मैथमेटिक्स का भी देख सकते हैं, MSc केमिस्ट्री का भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपके सामने है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। वहीं पे अगर आप MTech का देखना चाहते हैं तो MTech का भी आप देख लीजिए, जितने भी MTech के अलग अलग ब्रांचेस हैं उनका आप जूम करते जाइए और देखते जाइए जो भी आपका है। यहाँ पे हम हर एक का आपको बताते जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इतना लंबा वीडियो सही नहीं है। तो ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की, कि आपके MMUT में किस कैटेगरी के लिए कितनी परसेंट सीटें रिजर्व हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी के लिए कितनी परसेंट सीटें रिजर्व है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं SC ऑफ UP, मतलब अगर आप SC कैटेगरी से हैं UP के हैं तो 21% सीटें, ST कैटेगरी के हैं UP के हैं तो 2% सीटें, OBC कैटेगरी के हैं UP के हैं तो 27% सीटें, और वहीं पर अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं मतलब EWS कैटेगरी के हैं और UP के ही हैं तो आपका 10% सीट रिजर्व है। वहीं पर अगर हम इसके बात करें सब कैटेगरी वाइज, तो अगर आप देख सकते हैं आप डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम UP, मतलब अगर आप फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसका कोड आप देख लीजिए UPFF होगा आपके काउंसलिंग में, और 2% सीटें रिजर्व है। वहीं पर अगर आप किसी आर्म फोर्स से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जो आपका कोड होगा वो होगा UPAF, 5% सीट रिजर्व है। और वहीं पर अगर आप हैंडीकेप्ड हैं या फिर डिसेबल हैं और UP के हैं तो UPHC उसका कोड होगा, और 5% सीटें इसमें रिजर्व होती हैं। और वहीं पर अगर आप UP के ही कोई महिला हैं, कोई गर्ल हैं, कोई लड़की हैं, तो आपका जो कोड होगा वो होगा UPGL, 20% सीटें रिजर्व हैं इसके लिए।
चलिए बात करते हैं रूरल वेटेज के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वेटेज टू कैंडिडेट फ्रॉम रूरल एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश अ वेटेज ऑफ 3% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेंड इन यूपी सीटी 2021 जो भी आपका ईयर होगा 22 होगा तो उसमें 23 होगा तो उसमें विल बी गिवन टू सच यूपी जीई कैंडिडेट्स। मतलब क्या होता है कि जो आपको रूरल वेटेज का बेनिफिट मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी जीई कैंडिडेट्स को ही मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम यूपी जीई के जीई का मतलब जानते हैं कि यूपी जीई का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीई है ना, तो आप यहाँ पर पढ़िए कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हु डू नॉट क्लेम फॉर एनी रिजर्व कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू ऑल कोर्सेज इन द यूनिवर्सिटी अगेंस्ट अवेलेबल जनरल ओपन सीट नो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। मतलब ऐसा स्टूडेंट जिसने जो यूपी का ही है और जिसने अपना इससे पहले की जो पढ़ाई की है वो यूपी से ही की है तो वो हर एक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होता है और उसने किसी भी रिजर्वेशन के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है तो उसको यूपी जीई कैटेगरी बोला जाता है। तो अच्छा, तो यूपी जीई जो कैटेगरी होता है उन्हीं को सिर्फ रूरल वेटेज का फ़ायदा मिलता है। अच्छा, जो आप टोटल नंबर लाएंगे ना अपने यूपी सीईटी के रिजल्ट में उसका 3% निकाल के और उसमें ऐड करके और आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये होता है आपका रूरल वेटेज का फ़ायदा, सिर्फ यूपी जीई कैटेगरी को ही मिलता है। आप फर्स्ट ईयर बी फार्मा बीबीए कोर्स, वो भी बी फार्मा कोर्स का होना चाहिए और बीबीए कोर्स का होना चाहिए और कोई होगा तो आपको नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में तो जैसे कि आप देख सकते हैं कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस हैंडीकैप्ड ऑन सर्टिफिकेट 9 इन अपेंडिक्स ए एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाएंगे तो वहाँ पे एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है, वो आपको लगाना पड़ेगा। तो अभी हम आपको नीचे चल के दिखाएंगे कि जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है उसका फॉर्मेट कैसा होता है, उसको आप कैसे बनवा सकते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या होता है ना कि ये सभी चीज़ें मेंशन होती हैं, ये सभी चीज़ें मतलब आप फिजिकली फिट होनी चाहिए तो आप माने जाएंगे कि हाँ आप मेडिकली फिट हैं, आप फिजिकली फिट हैं। और फिट नहीं है तो फिर आपको मतलब हैंडीकेप्ड या फिर डिसेबल करा दिया जाएगा और उसका परसेंटेज भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और उसका टाइप भी आपको बता दिया जाएगा। तो ये तो हो गया खैर। और वहीं पे अगर आप जिस कैटेगरी से भी हैं, आपका कोई भी कैटेगरी हो सकता है, आप वहाँ पे उसका कोड देख सकते हैं। आप कोड देख लीजिए, जो भी आपका कोड है स्क्रीन पे दिया हुआ है सब, हर एक कोड का यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया हुआ है कि किस कैटेगरी का कौन सा कोड है उसका डेफिनेशन क्या है। आप ये जानते रहेंगे ना तो आपको आगे चल के आपके काउंसलिंग में फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन को पॉज करते जाइए और जो भी है आप उसको देखते जाइए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं फीस के बारे में कि आपके ट्रिपल एम यूटी में जो अलग अलग कोर्सेज हैं उन कोर्सेज के लिए कितनी कितनी फ़ीस लगती है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं बीटेक फर्स्ट ईयर के बारे में। तो अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो जो उसकी फ़ीस होगी वो होगी, फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस होगी वो होगी 1,10,000 रुपये। ये होगी हॉस्टलर की फ़ीस, मतलब अगर आप साथ में हॉस्टल लेंगे तो उसकी फ़ीस होगी। अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस होगी या फिर हर ईयर की जो फ़ीस होगी वो होगी 90,000 रुपये पर ईयर। वहीं पे अगर आप बीटेक लेटरल एंट्री लेते हैं, मतलब डायरेक्ट आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, तो उसके लिए जो आपकी फ़ीस होगी हॉस्टलर के लिए, मतलब इसमें सिर्फ हॉस्टल मिलेगा, सिर्फ लड़कियों को हॉस्टल मिलेगा, लड़कों को नहीं मिलेगा, वो होगी 1,10,000 रुपये। और जो नॉन हॉस्टल की फ़ीस होती है, चाहे आप लड़की हो या फिर लड़के हो, तो उसकी जो फ़ीस होगी वो होगी 90,000 रुपये सेकेंड ईयर की। वहीं पर अगर आपका कोर्स बीबीए है तो फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस होगी, मतलब एक साल की जो फ़ीस होगी, होगी हॉस्टलर के लिए 95,000 रुपये और 75,000 रुपये नॉन हॉस्टलर के लिए। अगर आपका बी फार्मा कोर्स है तो आप देख सकते हैं कि 1,30,000 रुपये पर ईयर फ़ीस होती है इसकी हॉस्टलर के लिए, 1,10,000 रुपये होती है पर ईयर की फ़ीस नॉन हॉस्टलर के लिए। अगर आपका एमसीए है तो 85,000 रुपये होगा फर्स्ट पर ईयर फ़ीस और 65,000 रुपया होगा इसका पर ईयर की फ़ीस, मतलब वही फर्स्ट ईयर की फ़ीस अगर आप नॉन हॉस्टलर है। तो आप देख सकते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे हर एक कोर्स का पढ़ के आपको बताऊँ, आप देख लीजिए जो भी आपका कोर्स है उसको आप अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो पहला, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपका कैटेगरी कोड यूपीएससी है, यूपीएसटी है, जीडीएससी है, जीडीएसटी है, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति अगर आपका है तो उसके लिए आपका ए डॉक्यूमेंट लग सकता है। आप चाहें तो ए डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी आपके पास है तो फिर कोई बात नहीं है, नहीं है तो इसको इसका प्रिंट निकलवा के आप बनवा सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर टू, सर्टिफिकेट नंबर टू जो आपका है वो है यूपीबीसी जीडीबीसी। ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने आपको अभी कैटेगरी डेफिनेशन में आपको बताया था ना, आप जान जाइए, सबसे पहले आप जाइए कैटेगरी डेफिनेशन देखिए कि किस कैटेगरी के लिए क्या डेफिनेशन है, मतलब आपका कौन सा कैटेगरी कोड है। आप देखने के बाद यहाँ पर आएँगे तब ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगर आप उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र है तो फिर इसके लिए ये हो जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर थ्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश सामान्य निवासी के पुत्र, मतलब अगर आपका यूपी जीडी, जीडीएससी, जीडीएसटी, जीडीबीसी है तो उसके लिए आप। उसके बाद सर्टिफिकेट फोर आप देख सकते हैं सब कैटेगरी यूपीएफएफ
यहाँ पे जो ऊपर था आपका वो था आपका, आपके कैटेगरी वाइज सभी थे, अब यहाँ पे सब कैटेगरी है। UPFF का मतलब है कि अगर आप फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए ए सर्टिफिकेट है। वहीं पे सब कैटेगरी UPAF, अगर आप आर्म फोर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए, मतलब सेना दल से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए है। और उसके नीचे आने पे जो अगला सर्टिफिकेट है वो है सब कैटेगरी UPHC, मतलब अगर आप एक हैंडीकेप्ड हैं उत्तर प्रदेश के ही हैं तो उसके लिए ए वाला सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद और नीचे आने पे अगर सर्टिफिकेट नंबर 7, अगर आप UPGE से बिलोंग करते हैं, मतलब अगर आप सामान्य कैटेगरी के हैं, जैसा कि UPGE के बारे में ऊपर मैंने आपको बताया था, आप देख लीजिए, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर ए वाला रहेगा आपके लिए। सर्टिफिकेट एट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जैसा कि मैं बताता ही हूँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इससे पहले जो आपने पढ़ाई की थी, चाहे आपका क्लास 12th होगा चाहे आपका ग्रेजुएशन होगा, वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। आप चाहे तो ए वाला प्रिंट निकाल के लेके जाइए वहाँ पे बनवा लीजिए, या फिर वहाँ पे ऑलरेडी अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कोई फॉर्मेट होगा तो वो लोग आपको बना के दे देंगे, आपका चल जाएगा। सर्टिफिकेट 9 नंबर 9 मेडिकल सर्टिफिकेट है, यही है फॉर्मेट फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आप ट्रिपल एम UT में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उसके लिए ए वाला प्रिंट आप निकलवा सकते हैं और आप इसको बनवा सकते हैं। अच्छा, अगर आपका सर्टिफिकेट 10 है, अगर आपका अंडरटेकिंग बाई ए है तो फिर आप ए वाला बनवा सकते हैं। और उसी तरीके से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है, इनकम सर्टिफिकेट तो लगना ही लगना आपका है, इसको निकलवा के बनवा लीजिएगा, या फिर ऑलरेडी साइबर कैफ़े पे जाएंगे तो वो लोग मतलब अपने न्यू अपने तरीके के जो फॉर्मेट होते हैं वहाँ पे जो बन के आता है गवर्नमेंट की तरफ से, उस फॉर्मेट में भी बन जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे सर्टिफिकेट है। खैर, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लाभांश, मतलब वही अगर आप इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आप FW सीट के लिए चाहिए होगा तो ये भी शायद में भी हो सकता है कि लग जाए। तो यही कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो भी आपका कैटेगरी है, जो भी आपका कोर्स है, उस हिसाब से आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा। और वैसे भी जब काउंसलिंग होती है तो उसमें मतलब बताया जाता है, तो वो सभी डॉक्यूमेंट मतलब आपके हिसाब से जब वहाँ पर मांगते हैं तो वो सभी चीज़ें, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करके उसको वेरीफाई कराते हैं। तो जो भी होगा आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से।